इस वीडियो में हम बात करेंगे 2009 की फिल्म कोरकोरो के बारे में, जो उस जिप्सी परिवार की सच्ची कहानी है जो कुछ फ्रेंच गांव वालों की मदद से नाजी सिपाहियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। साल 1943 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब एक रोमानी काफिला जंगल के रास्ते सफर कर रहा था। अचानक उन लोगों को रुकना पड़ा और तब दो लोगों को कोई नजर आया। वो दोनों उसे दुश्मन समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे और तब उन्हें पता चला कि वो एक 9 साल का फ्रेंच बच्चा है। क्लॉड नाम का वो बच्चा दो दिनों से उन लोगों का पीछा कर रहा था और वो सारे लोग उसे गोरा होने की वजह से एक भूत कहने लगे। क्लॉड ने बताया कि वो अकेला है, इसलिए उन लोगों के आसपास रह रहा है और ये सुनकर उन लोगों ने क्लॉड को गोद ले लिया। उन लोगों ने क्लॉड का नाम कोरकोरो रख दिया, जिसका मतलब आजाद होता है। क्लॉड रोमानी रहन सहन को पसंद करने लगा, इसलिए उसने उन्हीं के साथ रहने का फैसला कर लिया। एक दिन उन लोगों को पता चला कि नाजी सिपाही उस जंगल के पास है और उन्हें जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। उस जंगल से कुछ दूर एक गांव था जहां वो लोग पहले रहा करते थे और उस गांव में थियोडोर नाम का एक आदमी रहता है जो जानवरों का डॉक्टर भी है और उसी गांव का मेयर भी है। जंगल से निकलकर वो काफिला उसी गांव की ओर जाने लगा और उनके आने की खबर उस गांव में फैलने लगी। वो गांव दो हिस्सों में बटा हुआ था, जहां एक हिस्सा उन रोमानी जिप्सीज के खिलाफ था और दूसरा उनके साथ। थियोडोर और लूडी नाम की एक टीचर उन लोगों के साथ थे, इसलिए उन्होंने उस काफिले के लोगों को गांव में रहने की इजाजत दी, पर कुछ लोगों की हरकतें लूडी को पसंद नहीं आई। फ्रांस के नए कानून की वजह से रोमानी लोगों को देश से बाहर निकाला जा रहा था और उन्हें किसी भी इलाके में सफर करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को एक ही जगह पर रहना होगा। उस दिन थियोडोर उन रोमानी लोगों से मिलने आया, पर उसे देखकर कोरकोरो भागने लगा। किसी तरह उसे शांत करके थियोडोर ने उससे बात की और कोरकोरो ने बताया कि उसका असली नाम क्लॉड है और वो एक अनाथ आश्रम से आजाद होने के लिए भाग आया है। थियोडोर ने क्लॉड को खाना दिया और अपने घर में अपने चाचा फर्नांड से कहकर कपड़ों का इंतजाम किया। लूडी ने क्लॉड को अपने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहां बच्चे जिप्सीज को चोर कह रहे थे, पर वो जिप्सीज सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाकर गुजारा करना चाहते थे और यही करते हुए वो उस गांव में जीने की कोशिश करने लगे। पियर नाम का गांव वाला उन रोमानी लोगों का दोस्त हुआ करता था, पर उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर उन लोगों को समझ आ गया कि अब वो उनका दोस्त नहीं रहा और नाजी सिपाहियों के साथ मिल गया है। एक दिन लूडी रोमानी लोगों से मिलने गई और वो उन जिप्सी परिवारों के बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचने लगी, पर वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बदले खुद ही पैसे मांगने लगे। उन लोगों ने कहा कि वो भी अपने बच्चों के साथ पढ़ने आएंगे, क्योंकि उनके परिवार कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। थियोडोर यानी कि थियो रोमानी घोड़ों को संभालने का और उनका इलाज करने का काम करने लगा। उसके इस काम में क्लॉड उसकी मदद कर रहा था, पर एक जंगली घोड़े ने थियोडोर को ही काट लिया और इस वजह से वो दूसरे घोड़े की जान नहीं बचा पाया। उस वक्त रोमानी लोगों ने थियो की जान बचाई और खुद दवाइयां बनाकर उसका इलाज किया। उस दिन क्लॉड और लूडी ने एक चमत्कार होते हुए देखा, जब उन लोगों ने एक मरे हुए घोड़े को जिंदा किया। जान बचाने का शुक्रिया अदा करने के लिए थियो ने क्लॉड के हाथों खाने का सामान भिजवाया और इस तरह रोमानी लोगों का थियो के परिवार के साथ रिश्ता मजबूत हो गया। फिलिक्स नाम का रोमानी आदमी हर बच्चे को पढ़ाना चाहता था, इसलिए वो उन्हें लूडी के स्कूल में ले जाने लगा। वो खुद भी उनके साथ पढ़ने लिखने लगा। पढ़ाई की ये दुनिया उन बच्चों के लिए नई थी और दिमागी तौर से कमजोर होने की वजह से फिलिक्स भी इस नई दुनिया में दिलचस्पी लेने लगा। एक दिन कुछ फ्रेंच पुलिस वाले रोमानी गांव वालों के कागज मांगने आए और जब उनसे कहा गया कि उन्हें इसी जमीन पर रहना होगा, तो कुछ लोग नाराज हो गए। रोमानी जिप्सीज आजादी से जीना पसंद करते हैं, पर पियर और उसके जैसे सिपाही उनकी आजादी छीन रहे थे और उनसे उनके घोड़े भी छीन कर ले जा रहे थे। ये बात डार्को नाम के एक आदमी को अच्छी नहीं लगी, पर किसी तरह उसे शांत कर दिया गया। फिलिक्स अपने परिवार को इस तरह तकलीफ में देखकर परेशान हो गया। डार्को चाहता था कि वो सब अपना सफर जारी रखे, पर कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ थे। वो रोमानी लोग ये नहीं जानते थे कि लूडी और थियो फ्रेंच क्रांतिकारियों के साथ काम कर रहे हैं और फ्रांस को आजादी दिलाना चाहते हैं। वो दोनों ही जिप्सीज को जरूरत का हर सामान पहुंचा रहे थे और उन्हीं की वजह से उन लोगों को आजादी से जीने का मौका मिल रहा था। वो दोनों भी उनकी जिंदगी और उनकी आजादी का हिस्सा बनने लगे और साथ ही आजादी के अपने मकसद पर खुद भी काम करते रहे। मगर एक दिन लूडी को पता चला कि उसके घर के पास कुछ जर्मन सिपाही रह रहे हैं और उन्हें देखकर उसका डर बढ़ने लगा। उस दिन फिलिक्स किसी बात से परेशान होकर अपने लोगों से दूर भागने लगा। वो बुरी तरह थक गया और बीच रास्ते में ही एक घड़ी मिलने पर उसका ध्यान अपने डर से हट गया।
उसके डर का कारण अगली सुबह फर्नांड को पता चला जब वो रोमानी इलाके में पहुंचा। उन सारे रोमानी लोगों को नाजी सिपाहियों ने बंदी बना लिया था और औरतों और बच्चों को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालने की तैयारी कर रहे थे। फीलिक्स भी पकड़ा गया और उन सबको पकड़वाने का काम पियर का था। जानवरों की तरह उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उन सबकी गैर मौजूदगी में क्लॉड उनका सामान समेटने लगा और उनके इलाके की साफ सफाई खुद करता रहा। क्लॉड थियो के घर में सुरक्षित तो था पर खुश नहीं था और ये बात थियो समझ गया। थियो ने उस रोमानी परिवार को बचाने का फैसला कर लिया था और उसने अपनी जमीन उनके नाम कर दी क्योंकि सिर्फ उन्हें कैंप में डाला जा रहा था जो किसी घर या जमीन के मालिक नहीं है। थियो का वकील जानता था कि उसके ऐसा करने से पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा पर थियो को किसी की परवाह नहीं थी। वो जल्द से जल्द जमीन उनके नाम करके उस जगह पहुंचा जहां उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है और उस रोमानी परिवार को आजाद करने की मांग करने लगा। वो ऐसा करने में कामयाब हुआ और उन लोगों को बाहर ले आया पर अचानक टीना नाम की लड़की और दार को कहने लगे कि फीलिक्स कैंप में ही रह गया है। लूडी फीलिक्स को ढूंढते हुए फिर से कैंप में गई और दूसरे कैदियों के हालात देखकर डरने लगी। फीलिक्स को सबसे दूर कैद में रखा गया था क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। फीलिक्स अपने पूरे परिवार के साथ आजाद हो गया और थियो जल्द से जल्द उन्हें लेकर वहाँ से दूर चला गया। क्लॉड अब उन लोगों की आजादी के जश्न का हिस्सा बन गया था और कुछ देर बाद थियो ने घर के कागज देकर उन लोगों को घर में रहने के लिए जगह दी। टीना को पता चला कि लूडी असल में थियो की पत्नी नहीं है। लूडी के दो भाई हैं जो जेल में हैं और वो बस काम के सिलसिले में थियो के साथ रह रही है। थियो के परिवार के उस घर में रहने का फैसला ना तो फीलिक्स को अच्छा लगा और ना ही डार्को को, और डार्को का मानना था कि उन्हें इस जगह से निकलने के बाद ही आजादी मिलेगी। डार्को पियर से बदला लेना चाहता था इसलिए एक रात वो उसे मारने की तैयारी करने लगा। देर रात पियर का ठिकाना ढूंढ निकालने के बाद भी वो उसे मार नहीं पाया इसलिए वो अपना आपा खो बैठा और उसके प्लान पर पानी फिर गया। अगली सुबह क्लॉड के हाथों थियो ने घर की चाबियां और किताबें भिजवाई पर जब फीलिक्स उस पुराने घर में गया तो खंडर जैसे उस जगह को देखकर डर गया। वहां से निकलकर वो बच्चों के साथ थियो के घर में चला गया जहां उन सब ने उथल पुथल मचा दी। सिर्फ घर ही नहीं उन सब ने लूडी को क्लास में भी परेशान करना शुरू कर दिया और उन्हें रोकने पर फीलिक्स नाराज हो गया। एक दिन कुछ फ्रेंच किसानों ने रोमानी लोगों को अपनी मुर्गियों के लिए गाना बजाने का काम दिया पर एक तरफ जहां कुछ लोग उन्हें ये काम दे रहे थे तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें गांव से भगाने की कोशिश कर रहे थे। लूडी उन लोगों को शांत करने की कोशिश करती रही पर वो डार्को को शांत नहीं कर पाई। सही वक्त पर थियो वहां आ पहुंचा और उसने साफ साफ कह दिया कि उसकी जमीन पर रहने वाले लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता और वो रोमानी लोग उसी जगह पर रहेंगे। थियो और लूडी उन लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते रहे और इस कोशिश में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। कुछ दिनों बाद पियर जर्मन सिपाहियों को लेकर लूडी के स्कूल में आ पहुंचा और वो लोग लूडी के घर की छानबीन करने लगे। एक तरफ वो लोग पूरे घर की तलाशी ले रहे थे तो दूसरी तरफ क्लासरूम में भी तलाशी ली जा रही थी। ये सब कुछ देखकर क्लास में बैठे बच्चे रोने लगे और फिर थियो और लूडी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके क्रांतिकारी होने का राज बाहर आ चुका था इसलिए उन्हें जेल ले जाया जाने लगा। नाजी सिपाही उन दोनों को टॉर्चर करने लगे पर उन दोनों ने ही उन्हें कुछ नहीं बताया। घंटों तक पूछताछ होने के बाद जब उन लोगों के हाथ कोई सबूत नहीं लगा तो उन्हें थियो को आजाद करना पड़ा। जब थियो घर लौटा तो उसे क्लॉड कहीं नजर नहीं आया। उसे ढूंढते हुए जब थियो रोमानी इलाके में पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पीठ पीछे क्या हुआ था। सारे रोमानी लोग उस जगह से निकलने की तैयारी कर रहे थे और क्लॉड भी उन लोगों के साथ रहना चाहता था। फीलिक्स उसे वहां से दूर भेजने की कोशिश करता रहा पर क्लॉड ने ना तो उसकी बात सुनी और ना ही डार्को की बात सुनी। जिन लोगों ने उसे बचाकर अपने साथ रखा था क्लॉड उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था पर डार्को जानता था कि उनके साथ रहकर क्लॉड की जान को खतरा है। फिर भी क्लॉड ने उसकी बात नहीं मानी और हर जगह उन लोगों का पीछा करता रहा। आखिरकार फीलिक्स उसकी जिद के आगे हार गया और क्लॉड को अपने साथ ले गया। वो लोग बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगे पर उसी रात नाजी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे उनके कागज मांगे गए। वो लोग अब एक नए इलाके में आ गए थे इसलिए उनके कागज पर कोई स्टैंप नहीं था और इसी वजह से उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। डार्को उन सिपाहियों को समझाता रहा कि क्लॉड उनके साथ नहीं है और एक फ्रेंच बच्चा है पर क्लॉड की चुप्पी डार्को की बात के खिलाफ सबूत दे रही थी इसलिए क्लॉड को आजादी नहीं मिली। फीलिक्स उन सिपाहियों से लड़कर वहां से भाग निकलने में कामयाब तो हुआ पर उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया गया और पेड़ से गिराकर उसे जान से मार दिया गया। अंत में क्लॉड को बाकियों के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया और 1944 में करीब 5,00,000 जिप्सीज के साथ उन सबको मार दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।